अस्सलामुअलैकुम। मैं बीच पे मैं चल रहा था तो मैंने ही देखा कि ये लोग रंग कर रहे हैं फुटपाथ के ऊपर और रोड के ऊपर, और जो रंग की खुशबू मुझे आ रही थी उससे मुझे अपना बचपना कहने याद आया या अपनी टीन एज याद आई। और मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने वालिद का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे घर के अंदर ये मशीनें होती थी तो मैं उनको इस्तेमाल कर सकता था और उनको सीख सकता था। तो मैं एक अच्छा पेंटर होता था जब मैं छोटा था। पेंटर इस तरह था कि 80s में अर्ली 90s में और पुराने कंप्यूटर्स होते थे, XT कंप्यूटर्स, तो मैं उनको ख़रीद के रिफर्बिश करता था। और आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के पास था तो हम उनके कंप्यूटर्स को भी लेके सर्विस करते थे और रिफर्बिश करके देते थे। तो मैं जब पुराने कंप्यूटर लेता था तो उनको रेगमाल लगा के उनका रंग उतार के पूरी तरीके से दोबारा इसको रंग करता था और बेक करता था अवन के अंदर। वो कंप्यूटर ऐसे हो जाते थे जैसे ब्रांड न्यू। तो आज मुझे ये खुशबू सुन के बहुत दिन के बाद याद आया कि काश नहीं बल्कि मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वालिद का कि मेरे घर में इतनी सारी हार्डवेयर अवेलेबल होती थी कि मैं उसको इस्तेमाल कर सकता था। और मेरे वालिद जो थे वो गाड़ियाँ भी खुद ठीक करते थे और हर चीज़ तकरीबन हमारे घर की पूरी प्लम्बिंग इलेक्ट्रिशियन का काम सब मेरे वालिद के अपने हाथ का हुआ है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी शायद आजकल के बच्चों को नहीं मिलती है और यही मुझे अफसोस होता है कि मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी अमेरिका में एक जगह थी उसकी जहाँ पर आप जाएं तो आप पेंट भी कर सकते हैं, कुकिंग भी कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं, कारपेंट्री भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं जो आप स्किल आप सीखना चाहें और चीज़ें ईजाद कर सकते हैं। तो वहाँ एक बाबा जी थे, वो एक पता नहीं कौन से क्या चीज़ थे, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने एक डब्बा काटने की मशीन डिज़ाइन की थी कि आप किसी भी तरह का कार्डबोर्ड का डब्बा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो इसलिए उन्होंने कर सकी थी क्योंकि इस तरह की मशीनें अवेलेबल थी। तो इस वक्त मेरे जहन में बिल्कुल उसका नाम नहीं आ रहा, उसकी डॉक्यूमेंट्री मेरे फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि उस तरह का एक जगह बनाई जाए, बल्कि स्कूलों में सो कॉल्ड स्कूलों में ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे जाके अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ईजाद कर सकें। तो हमने ह्यूमन क्रिएटिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि जो बच्चे हैं वो क्रिएटिव होते हैं, उनके पास आइडियाज़ होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं देते और उनको ग्रेड में और तुम सातवीं फेल हो गए और आठवीं फेल हो गए बस इसी में हम उनका ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। एंड अगेन मैं जब छोटा था तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अपॉर्चुनिटी थी कि मैं छुप छुप के अब्बा से आरी भी लकड़ियाँ से चीज़ें भी बनाता था और इलेक्ट्रॉनिक भी तोड़ देता था और पेंट भी करता था। तो ये सारे चीज़ें मैंने अपने हाथों से की हुई हैं तो मुझे पता है कि कैसे होती हैं। तो अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती सोचते हुए कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। बहरहाल ये आज का वीडियो अब्बा के नाम, अब्बा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुंह पे आपका शुक्रिया अदा करते हुए तो शर्म आती है लेकिन अगर आप देख लें तो थैंक यू सो मच कि हमारे घर में सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं ये सब सीख सकता था। अस्सलाम वालेकुम।